अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली हूँ। मैं पसंद की शादी के कमल दे रही थी कि अगर घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है तो उसके लिए अमल की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप पसंद की शादी करना चाहती हो और आपके घर वाले राजी नहीं है, तो आप अपने घर वालों के लिए इस अमल को कर सकती है। या आपका रिश्तेदार लोग राजी नहीं है, विलन बन के खड़ी हुई है, तो उनके लिए भी इस अमल को कर सकती है। या जो आपका पार्टनर है जिससे आप शादी करना चाहती है, उसका घर वाला राजी नहीं है या उसका रिश्तेदार राजी नहीं है, तो भी ये अमल कर सकती है। इसका पूरा डिटेल में इस वीडियो में बता रही है, आप इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, करनी ये कि ये जो तिलिस्म आपको दिख रही है, इस तिलिस्म को आपको एक सफेद व्हाइट पेपर के ऊपर लिखना है। ठीक है, आप ब्लू पेन यूज कर लो या रेड पेन यूज कर लो, आपका मर्जी। ठीक है, जिसम कपड़ा वगैरह पाक साफ हो, उरूजे माह में होगी यानी कि चांद का 1 से 14 तारीख का दरमियान, किसी जुमेरात या जुम्मा का दिन, जहरा या मुश्तरी का साथ में। अमलियात का पार्टनर वीडियो के अंदर में सात मालूम करने का तरीका बताइए। आप अमलियात का पार्टनर वीडियो लाजमी देखो, उसके अंदर आपको सात मालूम करने का तरीका मिल जाएगी, किस वक्त जहरा का साथ है और किस वक्त मुश्तरी का साथ है। ठीक है, जुमेरात और जुम्मा का दिन, ये दोनों साथ जो है ना 3 से 4 मरतबा आएगी, तो आप किसी में भी आप इसको बना सकती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी है। तो किबला की तरफ मुंह करके सफेद कागज के ऊपर आपको इस तिलिस्म को लिखना है। अब इस तिलिस्म में आप नीचे देख रही हैं, यहाँ पे दो जगह रेड कलर से लिखी हुई है। ठीक है, ये जो रेड कलर से लिखी हुई है, जिनको अरबी आती है या उर्दू आती है उनको मैं बता रही हूँ कि ये लिखी है फला बिन फला, और दूसरी जगह भी लिखी है फला बिन फला, दोनों जगह रेड से ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए मैं समझा रही हूँ। तो आपने ये जो रेड कलर से लिखी हुई है फला बिन फला, ये नहीं लिखना। पहले जिस जगह रेड कलर से लिखी हुई है, आपको इस जगह पे अपना उन सारा रिश्तेदार का या घर वालों का नाम लिखनी है जो लोग राजी नहीं है। यानी कि जैसे आपका माँ राजी नहीं है तो आपका माँ का नाम, उसके बाद बिनते लगेगी क्योंकि औरत है, उसके बाद आपका माँ का नाम आ जाएगी। ठीक है, फिर अब जैसे आपका वालिद भी राजी नहीं है, ठीक है, तो माँ का नाम तो आप लिख दी, फिर इसके बाद आप अपना वालिद का नाम भी बिल्कुल इस तरीके से लिख देगी। यानी कि पहले अपना वालिद का नाम लिखेगी आप, उसके बाद बिन लगेगी क्योंकि वालिद मर्द है, मर्द के लिए बिन लगती है और औरत के लिए बिन। ठीक है, तो वालिद का नाम लिखेगी, फिर बिन, फिर आपका दादी का नाम लग जाएगी। ठीक है, अगर कोई भाई या बहन राजी नहीं है, जैसे भाई राजी नहीं है तो भाई का नाम आ जाएगी, उसके बाद बिन लगेगी और उसके बाद माँ का नाम आ जाएगी। बहन राजी नहीं है तो इसी तरीके से होगी, बहन का नाम लिखी जाएगी, बिनते लगेगी, माँ का नाम आ जाएगी। और इसके अलावा कोई और रिश्तेदार भी अगर राजी नहीं है तो उसका नाम भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे लिखी जाएगी। यानी कि एक नाम लिख दी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गैप दी, उसके बाद दूसरा का नाम लिख दी, फिर थोड़ा सा गैप दी, फिर उसके बाद उसके आगे तीसरा का नाम लिख दी। यानी कि जितना लोग राजी नहीं है उन सब का नाम पहला वाला जगह पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसा है कि आपका पार्टनर का घर वाला भी राजी नहीं है, ठीक है, पार्टनर का घर वाला भी राजी नहीं है, तो उन लोगों का नाम भी आप इसके अंदर डाल दो। ठीक हो गया, उसके बाद अब जो नेक्स्ट जो आगे जिस जगह मैं बताई कि फला बिन फला लिखा हुआ रेड से, वहां पर क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है और अपनी माँ का नाम लिख देना। अगर आप औरत है तो फिर बिनते लगेगी, अगर आप मर्द है तो फिर बिन लगेगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मर्दी अमल कर रही है तो पहले अपना नाम लिखेगी, फिर उसके बाद बिन लगेगी, फिर उसके बाद अपनी माँ का नाम लिख देगी, फिर उस लड़की का नाम लिखेगी जिसके साथ वो शादी करना चाहती है पसंद का, उसके बाद बिनते लगेगी और उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख दी जाएगी और ये अमल यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर औरत कर रही है तो फिर दूसरी जगह आप जिसमें बताई मर्द का बताई, उस जगह पहले आप औरत जो है वो अपना नाम लिख देगी, लड़की जो भी है, उसके बाद उस लड़का का नाम लिख देगी जिससे वो शादी करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद आप इसको लपेट लो, पैक कर लो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पैक कर लो, पैक करके इसको प्लास्टिक में लपेट लो और ऊपर से टेप वगैरह अच्छी तरह लगा दो कि इसके अंदर पानी ना जाए। उसके बाद करनी ये कि आपको इसे किसी दरिया या समंदर में डालनी है। ठीक है, चलता पानी हो, चलता पानी में डालनी है, कोई दरिया हो, कोई नहर हो, कोई समंदर हो, उसके अंदर डालनी है। कुआं में नहीं डालना, कुआं का पानी ठहरा हुआ होती है। ठीक है, दरिया का पानी है, समंदर का पानी है, सब चलता पानी है। तो आपने क्या करना है कि कोई बैग वगैरह लेना, कोई थैला लेना, या इसको जो है ना किसी पाक पत्थर से, पाक पत्थर का मतलब कोई भी बाहर से पत्थर उठा करके उसको वॉश कर लो और इस ताबीज को उस पत्थर के साथ बांध करके उस दरिया नहर या समंदर में डाल दो। अब ये आप जिस दिन आप बनाइए उस दिन भी आप उसको दरिया समंदर के अंदर डाल सकती है, उसका दूसरा दिन भी डाल सकती है, उसका एक हफ्ता बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना। और खुद डाल दो तो भी ठीक है, और अगर खुद नहीं डाल सकती तो किसी भरोसेमंद आदमी से डलवा दो जो कि आपके राज को राज में रखे। एक चीज ये हो गया, दूसरा काम ये भी करना
जबान बंदी का, यानी कि जो लोग राजी नहीं है इन लोगों की जबान बंदी का भी अमल करना, ठीक है। जबान बंदी का अमल का मैं वीडियोस डाली हुई है पहले, वहां से आपको मिल जाएगी। जबान बंदी से क्या होगी कि आपके फिर मुखालिफ नहीं जाएगी, एक तो ये कि ये इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी, जबान बंदी से ये होगी कि आपके मुखालिफ नहीं जाएगी, ठीक है, रिश्ते से इनकार नहीं कर सकेगी। तो जबान बंदी का अमल भी आप इसका साथ लाजमी करना। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब सबको अमल करने का इजाजत है, मुस्लिम है और गैर मुस्लिम है, मर्द और सब इस अमल को कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम।